हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी वुड। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज कॉल्ड पंचायत सीजन 3। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले ऐसी मजेदार मूवीज एक्सप्लेन के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम सचिव जी को उनके दोस्त के साथ देखते हैं। और जैसा कि हमने सेकंड सीजन के लास्ट में देखा था कि विधायक जी से लड़ाई के चलते उन्होंने सचिव जी का ट्रांसफर किसी दूसरे गाँव में करवा दिया था, जिस वजह से सचिव जी थोड़े से उदास है। सचिव जी का दोस्त देता है कि उसे सचिव के पद से रिजाइन दे देना चाहिए और सारा फोकस अपने एग्जाम पर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज ही के दिन ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव के पद के रूप में एक नए इंसान की एंट्री होती है और आज उसे ग्राम पंचायत फुलेरा में शाम के 7 बजने से पहले ज्वाइनिंग लेनी ही होगी। अब गाँव में पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने ही शहीद राहुल केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है। तो वहीं नए सचिव के ग्राम पंचायत में पहुँचने के बाद वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और आजू बाजू उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है यहीं पर लिखे हुए कुछ फोन नंबर पर। तो सबसे पहले वो प्रधान जी के पास कॉल करता है। प्रधान जी से बात करने के दौरान प्रधान जी उससे ठीक से बात नहीं करते हैं और कॉल कट कर देते हैं, जिसके बाद वो सहायक सचिव विकास के पास कॉल करता है। और जैसे ही विकास को मालूम चलता है कि ये नए सचिव का नंबर है तो वो भी कॉल कट कर देता है। तब यहाँ पर नए सचिव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा ये हो क्यों रहा है। तब आगे प्रधान जी के पास विकास जाता है और यहाँ पर प्रधान जी विकास से कहते हैं कि वो नए सचिव पर नजर रखे कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है और वो जो भी हरकत करे वो मुझे बताएं। और फिर आगे हम विनोद और भूषण शर्मा उर्फ वन राकस को देखते हैं जो कि आग को हवा देने का काम करते हैं और यहाँ भी वो विनोद को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आता है उनसे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उनके पास नया सचिव आता है और जैसे ही भूषण को मालूम चलता है कि ये नया सचिव है तो वो उसे भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देता है और प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिलहाल नए सचिव की प्रॉब्लम ये है कि गेट पर ताला लगा हुआ है और चाबी प्रधान जी के पास है, लेकिन वो सचिव से बात नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर विकास आता है। विकास ग्राम पंचायत के सामने नए सचिव को देखने लगता है, लेकिन कहीं पर भी विकास को नया सचिव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी नया सचिव विकास को देख लेता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। नया सचिव यहाँ पर विकास से चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके पास कॉल कर रहा था, लेकिन वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था और कॉल को बार बार कट क्यों कर दे रहा था। यहाँ पर नया सचिव विकास को धमकी भी देता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है और वो उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विकास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बाइक को घुमाकर वापस चला जाता है। नया सचिव चिल्लाते हुए बोलता है कि वो दरवाजे का ताला तोड़ देगा और ये सुनने के बाद वो सब उसके पास हथौड़ा लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो बस हवा देने का काम करता है, उससे कुछ होने वोने वाला तो है नहीं और इससे अच्छा मौका भी वो नहीं छोड़ सकता था। लेकिन वो नए सचिव का साथ नहीं दे रहा था। वो उसे कहता है कि ये लीजिए हथौड़ा और आप दरवाजे का ताला तोड़ कर दिखाइए, हम दूर खड़े होकर देखेंगे क्योंकि हम सब इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो नया सचिव ताला तोड़ने में लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी के पास विकास आता है और ये सारी बातें बता देता है, जिस पर प्रधान जी कहते हैं तुम्हें उस नए सचिव के पास प्रहलाद को लेकर जाना चाहिए। लेकिन विकास यहाँ पर प्रधान जी को बताता है कि प्रहलाद की हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उनका बेटा राहुल शहीद हुआ है वो गम में डूबे रहते हैं और दिन रात बस शराब पीते रहते हैं, जिसके बावजूद विकास जो है वो उनके पास खाना लेकर जाता है और प्रहलाद जी को देखकर साफ नजर आ रहा होता है कि उनकी हालत वाकई ठीक नहीं है। तो प्रहलाद के घर में कोई भी नहीं बचा है, लेकिन विकास जो है वो सुबह शाम प्रहलाद जी को खाना देने के लिए जाता है। कभी कभी प्रधान जी के घर से भी प्रहलाद के घर पर खाना चला जाता है क्योंकि वो लोग प्रहलाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो जब विकास प्रहलाद जी को बताता है कि नए सचिव के पद पर कोई नया इंसान आया है तो ये सुनने के बाद प्रहलाद और विकास जो है वो तुरंत ही ग्राम पंचायत में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो अपनी खटिया भी लेकर जाता है और यहां पर भूषण और विनोद दूर से देख रहे होते हैं वो लोगों को भड़काते हैं और तमाशा देखते हैं और उसे इसी में मजा आता है। तो दूसरी ओर विकास और प्रहलाद जो है वो पहुंच चुके थे। प्रहलाद देखता है कि नया सचिव जो है वो दरवाजे का ताला तोड़ रहा है। ये देखकर प्रहलाद विकास से कहता है कि वो एक बड़ा सा बांस तोड़ कर ले आए। तभी ये सब सुनकर नए सचिव की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी पिटाई होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर रुका हुआ था और विकास बड़ा बांस लेने जा चुका था। और यहां पर नया सचिव विधायक के पास कॉल कर देता है। उसे ये सारी बातें मालूम चलती है तो विधायक का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही फुलेरा जाने लगता है और सबको मारने की बातें भी करने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आज उसकी कोर्ट में हियरिंग है और वहां पर जाना बहुत जरूरी
जरूरी है, इसलिए विधायक जी डीएम के पास कॉल करवाकर उस मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। तो प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और प्रधान जी तुरंत ही अपना फोन अपनी पत्नी मंजू देवी को दे देते हैं। डीएम मैडम मंजू देवी से कहती है कि उन्हें तुरंत ही हमारे ऑफिस आना होगा, तो वो लोग तुरंत ही डीएम मैडम के ऑफिस जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते वो लोग नए सचिव से भी मिलते हैं, जहां पर वो प्रहलाद को भी बैठा हुआ देखते हैं। नए सचिव उन्हें बताते हैं कि प्रहलाद और विकास उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और विकास यहां पर एक बड़ा सा बांस लेकर भी आया था कि तभी मंजू देवी नए सचिव से कहती है कि वो लोग डीएम मैडम से बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही वो इस मामले पर कार्रवाई करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सचिव जी के पास रिंकी का एक वॉइस नोट आता है, जिसमें रिंकी बताती है कि सचिव जी तुम्हारे सचिव पद के लिए यहां पर लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। तो वहां डीएम मैडम के पास मंजू देवी और प्रहलाद पहुंच चुके हैं। यहां पर दोनों ही अपनी बातें कहते हैं कि उन्हें पुराना सचिव चाहिए, लेकिन डीएम मैडम उन्हें पहले भी समझा चुकी है कि ये काम विधायक जी ने किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि विधायक जी बहुत ही खराब आदमी है और वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती। तब यहाँ पर प्रहलाद जी डीएम मैडम से कहते हैं कि अगर कोई नया सचिव आया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा, फिर चाहे उसे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अब डीएम मैडम मंजू देवी को समझा देती है और नए सचिव की ज्वाइनिंग के लिए कहती है। यहाँ पर प्रहलाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें ये करना होगा। रात के समय वो ग्राम पंचायत पहुँचते हैं, जहाँ पर लोग नए सचिव से मिलने जाते हैं। तो वहाँ नया सचिव उन्हें अपने तेवर बताने लगता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद प्रहलाद को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस बांस को उठाकर नए सचिव का सर फोड़ने लगते हैं कि तभी प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और वो बताती है कि आज विधायक जी की कोर्ट में सुनवाई थी और वो एक केस के चलते दोषी पाए गए हैं और इसलिए उन्हें जेल हो गई है, जिस वजह से नए सचिव के ऊपर से विधायक का हाथ हट चुका है। तो वो लोग नए सचिव को यहां से भगाने के लिए बोल देते हैं और दूर से ये सब कुछ भूषण और विनोद देख रहे होते हैं। और यहां पर सभी ने उस नए सचिव को ग्राम पंचायत से यहां रफा दफा कर दिया था। अब अगले दिन रिंकी ये सारी बातें सचिव जी को बता देती है और विधायक जी के केस के बारे में भी बताती है कि विधायक ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया था, जिस वजह से उस पे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और उसे 2 साल की जेल भी हो चुकी है, जिस वजह से उस नए सचिव को भी यहां से भगा दिया गया है और तुम्हारे ट्रांसफर को भी रोक दिया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सचिव जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वो फुलेरा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक बार फिर से ग्राम पंचायत फुलेरा में अभिषेक सर यानी सचिव जी की एंट्री हो जाती है। तो इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जगमोहन की फैमिली को देख पाते हैं। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसकी माँ और एक बेटा होता है। तो यहाँ पर वो अपनी फैमिली डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी जगमोहन को बाहर किसी बाइक की गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो यहाँ उसे मालूम चलता है कि प्रधान जी और मंजू देवी बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर जगमोहन उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि उन्हें ये सड़क बना लेनी चाहिए क्योंकि अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। तो नए सचिव अपने पद पर वापस लौट चुके थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सबसे पहले भूषण शर्मा उर्फ वन राकस से, जहाँ पर वो वन राकस से कहते हैं कि उनका हथौड़ा जो है वो ग्राम पंचायत में ही रह गया था, तो वो उसे लेकर चले जाएं। लेकिन वन राकस कहता है कि वो मेरा नहीं था। तो यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो हथौड़ा तुम्हारा ही था। तो यहाँ पर वन राकस अपना हथौड़ा लेकर जाने लगता है और यहाँ पर वो अपनी निगाहों से सचिव जी को भी घूर रहा था, जिसके बाद सचिव जी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तभी वहाँ पर रिंकी उनके पास आती है, वो कहती है कि चाय पीने के लिए टंकी पर जा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो तुमसे हाय कह दे। और वो उसे ये भी कहती है कि उसके पास तो एक्स्ट्रा चाय भी है, तो वो अगर पीना चाहे तो पी सकता है। लेकिन यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अभी दिन के उजाले में कोई उन्हें देख लेगा तो बातें बनाएगा, इसलिए हम लोग शाम के 7 बजे के आसपास पी सकते हैं। लेकिन रिंकी कहती है कि रात को अंधेरा हो जाता है और फिर गांव भी ठीक से नहीं दिखता, इसलिए रिंकी यहां से चली जाती है। और यहां पर अभिषेक सर मतलब सचिव जी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि रिंकी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करती है, तो बाहर देखते हैं वो। और यहां पर रिंकी भी टंकी पर जाकर चाय नहीं पीती बल्कि वो अपने गाँव की ओर लौट जाती है। तो अब ग्राम पंचायत में सचिव जी और विकास होते हैं। विकास सचिव जी से कहता है कि वो खाना खाने के लिए घर जा रहा है, लेकिन हमेशा विकास टिफिन लेकर आया करता था। विकास उसे बताता है कि प्रहलाद जी के साथ वो खाना खा लेता है क्योंकि वो अक्सर अकेले रहते हैं, इसलिए उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि जाते जाते वो अपना बांस का डंडा लेकर जाए, तो विकास जो है वो उस डंडे को सचिवालय के ऊपर फेंक देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जगमोहन की माँ जो है वो ग्राम पंचायत में आती है और काफी रो रही होती है, तो सचिव जी उन्हें पानी पिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ बताती है कि उसके लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और बाजू में ही एक झोपड़ी है, वो उस झोपड़ी में रहती है। तो वो चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए उन्हें घर बनाकर दिया जाए। तो सचिव जी इसके लिए हाँ कर देते हैं और जाते जाते वो जगमोहन की माँ को एक लौकी भी देते हैं ताकि वो अपने घर पर जाकर कुछ खाना बना सके। तो अब जगमोहन के घर के बाहर जो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से मंजू देवी को पैर में काफी मोच आई थी और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर सचिव जी प्रधान जी को जगमोहन की माँ के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर चाहती है क्योंकि जगमोहन ने उसे घर से निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि तुम्हें एक बार जगमोहन की माँ के घर जाना चाहिए और सब कुछ देखकर आना चाहिए। तो वो वहाँ जाने लगता है तब यहाँ पर बीच में विकास मिलता है। विकास यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि सुबह से प्रहलाद कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं दूर निकल गया है। तब यहाँ पर दोनों ही जगमोहन के घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि जगमोहन की माँ वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और जगमोहन एक पक्के घर में रहता है। जगमोहन की माँ बाहर आती है और कहती है कि उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है इसलिए उसे एक पक्का घर चाहिए। लेकिन जगमोहन की माँ जिस तरह से सचिव को बता रही देखने से सचिव जी को उसके ऊपर शक हो रहा था कि आखिर शायद ये झूठ बोल रही है। इसलिए सचिव जी जाने लगते हैं लेकिन वो वापस आते हैं और जगमोहन की माँ से कहते हैं कि उन्होंने जो सुबह लौकी दी वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ कहती है कि वो तो उसने बनाकर खा ली। तब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से शक होता है तो वो जगमोहन के घर में जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ चीजें ढूंढनी है और वो जगमोहन के घर लौकी ढूंढते हैं और उन्हें वहाँ लौकी मिल भी जाती है जिससे कि सचिव जी को पता चल जाता है कि वो लोग नाटक कर रहे थे, उन्हें एक और पक्का घर चाहिए था इसलिए वो सब कुछ नाटक था क्योंकि जगमोहन का घर जो है वो बहुत छोटा सा है इसलिए उन्हें एक और घर की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर सचिव जी मना कर देते हैं तो जगमोहन यहाँ पर सचिव जी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो पूरे गांव को बता देंगे कि प्रधान जी और मंजू देवी मेरे घर के सामने गिर गए थे, फिर पूरे गांव में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन सचिव जी उसकी बात ना सुन के सीधे सचिवालय आ जाते हैं जहाँ पर की सारी बात प्रधान जी को बताई जाती है। प्रधान जी कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो जगमोहन की माँ को हमें एक घर दे सकते हैं, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल होगा और फ्रॉड के केस में उसकी नौकरी भी जा सकती है इसलिए सचिव जी साफ मना कर देते हैं। प्रधान जी के पास कोई और चारा नहीं था इसलिए वो मंजू देवी को सचिवालय लाने लगते हैं, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता है और इसी की मजबूरी का फायदा प्रधान जी उठाना चाहते हैं। तो मंजू देवी भी यहाँ पर अभिषेक सर मतलब सचिव जी से कहती है कि उन्हें जगमोहन की माँ को घर दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सचिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर लोगों को मालूम चल गया कि लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हम उन दोनों की झूठ मूठ की लड़ाई करा दें और सचमुच ही जगमोहन की माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए कह दें तो उनके लिए ये काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पर सचिव जी को आखिरकार मानना ही पड़ता है, वो लोग तुरंत ही जगमोहन के घर पर पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें एक झूठ मूठ की लड़ाई करनी होगी और सभी को ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़ाई रियल है और तुम्हारी माँ को कुछ दिनों तक झोपड़ी में रहना होगा। ये सुनकर जगमोहन भी उनकी बातों में आ जाता है और उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद जगमोहन अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है और बेरहमी से झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर करने लगता है। ये सब कुछ गांव वाले लोग देख रहे थे ताकि सभी को ये लगे कि ये रियलिटी है और उनका काम इजीली हो जाए। लेकिन जगमोहन की माँ को जगमोहन ने जब घर से बाहर भेजा तो जगमोहन को बहुत बुरा लग रहा था और उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ने के बाद। जगमोहन खुद भी रात भर बाहर बैठा रहा जिसके बाद रात को ही सचिव जी जगमोहन की माँ का आवास योजना का फॉर्म भर देते हैं जिसके बाद वो चाय पीने के लिए टंकी पर जाने लगते हैं। जब वो जा ही रहे होते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है रिंकी से और वो भी टंकी पर चाय पीने के लिए जा ही रही होती है। दोनों ही टंकी पर चाय पीने के लिए जाने लगते हैं लेकिन तभी यहाँ पर सचिव जी की नज़र पड़ती है प्रहलाद पर जो कि दिन भर से गायब थे और वो टंकी पर थे। तब सचिव जी रिंकी को उसके घर भेज देते हैं और वो प्रहलाद को आराम से नीचे उतार लेते हैं जिसके बाद वो प्रधान जी और विकास के पास कॉल करते हैं और तुरंत ही यहाँ पर उन्हें बुलाते हैं क्योंकि प्रहलाद की हालत काफी खराब थी। लेकिन एक कॉल पर ही प्रधान जी और विकास तुरंत यहाँ आ चुके थे क्योंकि वो लोग फैमिली हैं और प्रहलाद को प्रधान जी अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर मंजू देवी भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। और यहाँ पर मंजू देवी कहती है कि आज के बाद कोई भी टंकी पर नहीं चढ़ेगा इसलिए वो वहाँ पर ताला लगा रही है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।